एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। एक्टिव न्यूज चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली, एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। उर्दू मस्कन हाल में जलील खान साहब की ज़ेर निगरानी में ह्यूमन राइट्स पर एक प्रोग्राम किया गया, जिनमें नेशनल प्रेसिडेंट मोती गुप्ता के अलावा दिगर भी मौजूद थे। देखते हैं हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन की ये रिपोर्ट एक्टिव न्यूज़ चैनल पर। On to the next year, this is Kaisari Bay. From Delhi to address this talk. उद्देश्य यह है कि जहाँ कहीं मानव के मौजूद अधिकारों का जो हनन होता है, उसके निवारण करने का काम हमारे द्वारा से किया जाता है। जो भी शोषित पीढ़ी वर्ग के जो लोग हैं, वो हमारे हमसे जुड़ते हैं, अपने अधिकारों को पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो जिसमें जो पुलिस स्टेशन से जो अप्रोच करते हैं उनको जब न्याय नहीं मिल पाता, जब वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम अपने तरीके से उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जितने भी शोषित पीढ़ी व्यक्ति है उनको जितना ज़्यादा हो सके तो उतना न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारा एक स्वप्न है कि जैसे कि भारत सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो स्वप्न है अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं हम लोग। उसी के ऊपर हम लोग हमेशा लड़ते आए और आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अलहमदिल्ला आज हम जो है आज हॉनर सेरेमनी और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अलहमदिल्ला हैदराबाद में जो है हमने मुकाबले करें, अलहमदिल्ला जो है सक्सेसफुल हो चुका है। और तमाम अचानक कमेटी का और हमारे तमाम हमारे कमेटी के मेम्बरों का और साथ ही साथ हमारे मेम्बर्स एक्टिव मेम्बर्स हमारे जो फाउंडर साहब हैं और हमारे तेलंगाना प्रेसिडेंट और नगर इंचार्ज, तमाम अचानक कमेटी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया का भी तहदी से हम तमाम हैदराबाद की हमारी जो टीम है वो तमाम जो है आप सबका भी खैर सफल करती है और साथ ही साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का मकसद ये था कि हम जो आज जो प्राण चल रहा है हैदराबाद में, देखिए हैदराबाद में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जो क्राइम चल रहा है, क्राइम को कम करने के लिए और साथ ही साथ हम लोग जो आजकल जो चल रहा है कि करप्शन है और कई चीज़ें हो रही हैं, तो उसके रुकावट के लिए पुलिस तो है, लेकिन पुलिस के पास कुछ अपने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जो जा नहीं सकते। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो अपनी शिकायत या अपनी जो भी है वो हमारे पास कर सकते हैं, जिसका नाम हम ज़्यादा करते हैं और उसके बाद हम जो है साथ ही साथ उन लोगों की जो है हेल्प करने जाते हैं और इंशाल्लाह 24 घंटे में ही हम लोग उनका बिल्कुल सक्सेसफुल काम हम लोग करेंगे। इंशाल्लाह 24x7 हमारी जितनी भी टीम मेम्बर्स हैं हैदराबाद की वो 24x7 काम में नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज लिस्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी हेल्प ऑल द पब्लिक दोज यू कैन नॉट इंडिविजुअली फाइट फॉर देमसेल्फ। सो वी आर एज नेशनल मेंबर्स एंटी करप्शन ब्यूरो वी ऑल द मेंबर्स ऑल द डिग्निटरीज दोज आर ऑन द पोस्टिंग वी ऑल फाइट फॉर देम, वी ऑल हेल्प देम। सो बेसिकली दिस इज आवर मोटिव एंड वी हैव आवर विजन एंड मिशन व्हिच इज टू बी फॉलोड दैट विल बी सेविंग द स्टेट। So he is a founder, he will explain him more clearly about it. Thank you. तमाम खबरें एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली,
For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our